బీబీనగర్ ఎయిమ్స్ ని సందర్శించిన కేంద్ర మంత్రి మాన్సుఖ్ మాండవ్య మోడీ ప్రభుత్వంలో వైద్య రంగం అభివృద్ధి చెందిందని తెలిపారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బీబీనగర్ ఎయిమ్స్ ని సందర్శించారు కేంద్ర మంత్రి మాన్సుఖ్ మాండవ్య. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మోడీ ప్రభుత్వంలో వైద్య రంగం అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు. టెలీ కన్సల్టెన్సీ అందుబాటులోకి వచ్చిందన్నారు. హెల్త్ సెక్టర్ లో డిజిటల్ సేవలు వినియోగించడం వల్ల రోగి సమస్త సమాచారం వైద్యులకు తెలుస్తుందన్నారు. కరోనా లాక్ డౌన్ సమయంలో డాక్టర్లు నర్సులు వాళ్ళ కుటుంబాలను వదిలేసి దేశ ప్రజల కోసం వైద్య సేవలు అందించారని ప్రశంసించారు. వైద్య రంగంలో ఎన్నో సంస్కరణలు వచ్చాయన్నారు. గతంలో దేశంలో 45,000 వైద్య సీట్లు ఉండగా ప్రస్తుతం 97,000 వైద్య సీట్లు పెరిగాయన్నారు. గతంలో 300కు పైగా వైద్య కళాశాలలు ఉండగా ఇప్పుడు 600కు పైగా కళాశాలలు తమ హయాంలో పెరిగాయని తెలియజేశారు. मैं फार्मा विभाग का भी मंत्री तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ 90 बेस से एजिथ्रोमाइसिन नहीं, हम आपको वेंटिलेटर भेजेंगे, आप हमें कृपया करके एजिथ्रोमाइसिन दे. तब दोस्तों मैंने कहा था कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर की जरूरत है, आप अवश्य भेजिए, लेकिन हमारे यहाँ शर्त नहीं है, आप नहीं भेजिए, हम आपको एजिथ्रोमाइसिन 150 कर्मी को हमने वैक्सीन उपलब्ध कराया है. 150 कर्मी 69 कर्मी ने किसी ने ट्वीट करके मोदी जी को थैंक यू कहा, किसी ने कॉल करके थैंक यू कहा, और जब ब्राजील का प्लेन यहां से एडवर्टाइजमेंट लेके ब्राजील पहुंचा तो वहां का प्रेसिडेंट ने मोदी जी के लिए ट्वीट किया कि आपने हमें हनुमान के रूप में प्लेन भेजा है, तो संजीवनी लेके हनुमान हमारे यहाँ आया है. सब के लिए तो जो हमारी विरासत में सिखाया है, हम केवल लाभ की बात करने वाले लोग नहीं है. लाभ की बात करना यानी कि मेरा कल्याण हो, मेरा भला हो, मेरे मेरे लिए सब कुछ हो. तो माध्यम से कितने उपयोग हो रहा है तो मेरे माध्यम से देखे क्या सब फैसिलिटी है. 24/7 उसका मॉनिटरिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता रहेगा. और आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें पिप पप 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 करके बताएंगे कि यहाँ ओपीडी नहीं है, हमारा सिस्टम क्या सीखेगा, और वहां से हम उसको अलर्ट करेंगे ओपीडी नहीं होगी तो आपकी मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगी. मेडिकल कॉलेज चलाना है तो वहां फैकल्टीज होनी होगी, पेशेंट होना होगा, और इक्विपमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना होगा. ये दिशा में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आगे बढ़ रहे हैं. हमें देश में क्वालिटी एजुकेशन देना, देश में एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर उपलब्ध कराना है, और देश में हेल्थ फोर्स तैयार करके देश की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है, और दुनिया को भी मदद करना है. दोस्तों हम भारत है, हमें हमारी विरासत से प्रेरणा लेना है. हम केवल अपना ही सोचने वाले लोग नहीं, मुझे पता है, मुझे याद है, देश में 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाया गया, और 4 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री जी ने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि दुनिया से खबर आ रही है, और मुझे कॉल आ रहा है देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन की स्थिति क्या है. मैंने एनालिसिस करके रिपोर्ट दिया और मैंने तो इतना ही कहा था कि देश के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड एजिथ्रोमाइसिन है. तब दोस्तों मोदी जी ने मुझे कहा था कि देश के लिए तो है, लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम के विचार के बाहर है. हम दुनिया को परिवार मानते हैं, और दुनिया को मदद करना यह हमारा दायित्व है. और उस वक्त मैंने देश के सभी फार्मा इंडस्ट्रीज को नोटिफिकेशन निकाल के सभी स्टेट गवर्नमेंट और कलेक्टर को कहा था कि सभी फार्मा इंडस्ट्रीज और उसमें काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज के लिए
लॉकडाउन पास दिया जाए ताकि फार्मा इंडस्ट्री चालू हो और देश की रिक्वायरमेंट भी पूरा करे और दुनिया को भी मदद करे। और देश में लॉकडाउन था देश को एक्सपर्ट डॉक्टर की उपलब्धता 2014 में 31,000 पीजी की सीट थी वो आज बढ़ के 63,000 हो चुकी है। 105% उसमें बढ़ोतरी हुई है और आने वाले दिनों में हम और मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम काम करना चालू किया है और उससे आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों सिलेबस में क्या रिफॉर्म करना चाहिए और कैसा सिलेबस होना चाहिए उसके लिए एक दिन का वर्कशॉप रखा था तो उसमें देश के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इन्वाइटेड थे ऐसा करके 300-400 लोगों का कोरोना था तो उसके समापन समारोह में मुझे बुलाया तो मैंने समापन समारोह की भाषा में कहा कि हेल्थ को एक्सेसिबल और एफोर्डेबल बनाने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। तो मेरे पास स्वाभाविक तौर पर आपको लगा होगा कि हमारे प्रिंसिपल और हमारे फैकल्टीज की एक्सपर्ट लोगों के जवाबदारी कैसे हो सकती है, ये तो सरकार की जवाबदारी होगी लेकिन ये मंत्री जी तो हमारे पर डाल रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर पहली दृष्टि से तो उसको ऐसा ही लगा होगा लेकिन मैंने उसको उस वक्त कहा कि जिम्मेवारी आपकी इसलिए है जस्ट मेरे मेडिकल कॉलेज में दाखिल होते हैं प्रवेश लेते हैं 5 साल तक वो कॉलेज में रहते। दोस्तों एजुकेशन केवल हाथ से लिखा हुआ एजुकेशन ये पूर्ण एजुकेशन नहीं है। पढ़ा हुआ एजुकेशन पूर्ण एजुकेशन नहीं है। लिखना पढ़ना एग्जाम में पास हो जाना ये तो सब करना ही करना है। मन से मस्तिष्क से ये प्रोसेस चलती रहती है लेकिन मैंने कहा कि एजुकेशन का एक पैरामीटर हार्ट से निकलता है हृदय से निकलता है। नई जनरेशन को स्टूडेंट को हृदय का एजुकेशन देना होगा उसको हार्ट का फीलिंग का एजुकेशन देना होगा उसको 5 साल तक कंटिन्यू से पढ़ाना है कि है सही है। दोस्तों है जो सेवा है और आप सेवा में यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। देश के एक्सपर्ट साइंटिस्ट हो उसके साथ डेली मीटिंग होती थी तो एक बार मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन आया और प्रेजेंटेशन में मेरे सामने रखा गया कि वैक्सीन की इफेक्ट कितनी है और इफेक्ट बताते हुए एक न्यूयॉर्क में 200 पेशेंट पर दी गई स्टडी का एग्जांपल दिया। मेरे सामने रखा कि न्यूयॉर्क में 200 लोगों पर वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई और उसमें ये निकल क्या है। तब मैंने केवल एक भी क्वेश्चन स्लाइड किया था कि अच्छा है न्यूयॉर्क में स्टडी निकली हमें देखनी चाहिए चाहिए लेकिन हमारे पास तो हमारे हर एम्स हमारा कोविड प्लेटफॉर्म और उस वक्त 20-35 करोड़ डोज एडमिनिस्ट्रेट किया गया था उसका डेटा हमारे पास उपलब्ध है। हम हमारी स्टडी नहीं निकाल सकते अगले वीक में आप ऐसी स्टडी बना के मेरे सामने आके प्रेजेंटेशन दीजिए। और मेरे सामने जब प्रेजेंटेशन दिया मैंने कहा को इंटरनेशनल जर्नल को भी आज और तब से
दुनिया हमारी स्टडी का एग्जाम्पल देके अपने देश में लोगों को दिखाने लगे थे। ये देश में ब्रांड पावर और मैन पावर की दोस्तों कभी कभी नहीं, सवाल था उसको अपॉर्चुनिटी देने का। आप जैसे यूथ, टैलेंट का यूथ, उसमें रही शक्ति, उसमें रही संपदा, उसको उस पर भरोसा करके उसको अवसर दिया जाने का काम मोदी जी ने कोविड क्राइसिस में किया। आप भी जैसे, आप जैसे ही निकले हुए कई साइंटिस्ट कम्युनिटी के साथ मोदी जी बैठे थे और मोदी जी ने उस वक्त बात कही कि आप कोविड का सोल्यूशन क्या, उसका इलाज क्या। तो अंत में हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी वैक्सीन ही उसका सोल्यूशन है। तब मोदी जी ने कहा था कि हम वैक्सीन बना सकते क्या। तब हमारे साइंटिस्ट ने कहा साहब हम बना सकते हैं। बगल में बैठे दूसरे हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि साहब हम बना तो सकते हैं लेकिन हमारी प्रोसीजर ही ऐसी है, इतने समय में डेटा जनरेट करना, इतने समय में उसका रिजल्ट आना, इतने समय में चाहेंगे तो आईसी तो डीजीसीआई उसको अप्रूव देंगे और उसमें इतना टेस्ट करना है, सब सारी प्रोसीजर में 4.5 साल लगे। हम आज रिसर्च करना चालू करेंगे तो 4.5 साल के बाद हिंदुस्तान में हमें अप्रूवल मिलेगी वो सही चला। तो हम नहीं कर सकते ऐसा भी नहीं, हमारे ही साइंटिस्टों को
देश में वैक्सीन का रिसर्च किया, दुनिया में रिसर्च हो गए, फर्स्ट डोज 20 दिसंबर 2020 में लगा था, उसके 29 डेज के बाद, एक महीने के बाद इंडिया में इंडियन रिसर्च, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा। फर्स्ट डोज 19 जनवरी 2021 में हमने लगा था। दोस्तों ये हमारी ताकत है, ये ताकत वो आने वाले दिनों में हमें और आगे ले जाए, देश में अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर हो, सभी को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले, इसलिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना निकाली। आज से 8 साल पहले शायद आप में से कभी किसी ने न्यूज पेपर में पढ़ा होगा, अमेरिका में ओबामा ने 10 करोड़ अमेरिकन नागरिक के लिए हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम निकाली थी, और सारी दुनिया में ओबामा की वाहवाही हुई कि ओबामा ने यूएसए के 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी। स्वामी बोधानंद गो सेवा आश्रमम सैथापुर, ज्योतिष्यम वास्तु शास्त्रम मन पूर्वीकुलु मनकिच्चिन वरम, दुर्गादेवी कालभैरव उपासनतो वाक्सिद्धि पొందిన श्री श्री बोधानंदगिरी स्वामीवारु मीकु एलांटि समस्यलुन्ना वाटिलो मुख्यंगा धन नष्टं आरोग्य नष्टं पार्याभर्तल मध्य गोडवलु प्रेमिंचुकुन्न वारु दूरं अवडं एन्नि संबंधालु वच्चिना पेल्लि मुडि पडकपोवडं रोड्डु प्रमादालु अप्पुल बाधलु व्यवसायंलो नष्टालु పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం ఆరోగ్య శాంతి గృహ శాంతి మనశ్శాంతి లేకపోవడం ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును నమ్మకంతో రండి ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం సైతాపూర్ వీరభద్ర స్వామి గుడి దగ్గర యాదగిరి గుట్ట సంప్రదించవలసిన నంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138